हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्की। तो कैसे हैं आप सब? आज हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप। जैसे कि आप सब जानते होंगे, काफ़ी फेमस आई ड्रॉप है ये, और किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर पतंजलि के अपने मेगा स्टोर्स पर उपलब्ध है। ठीक है, इसकी कॉस्ट है अराउंड 20 रुपीज़ और ये आपको 20 रुपये मिल जाती है। पतंजलि की एक ख़ास बात है, ये शायद आप सबको पता होगा, कि इसके प्रोडक्ट कहीं डिस्काउंट रेट्स पे नहीं मिलते, दे आर ऑलवेज सोल्ड ऑन MRP। ठीक है, तो ये 20 रुपये ही है तो 20 रुपये की ही मिलेगी। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। सुना तो बहुत है इसके बारे में, देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसकी कॉम्पोजिशन में है प्याज का रस, अदरक का रस, नींबू का रस और थोड़ा सा शहद। ठीक है, और इसमें ये क्लेम करते हैं कि आई डिसऑर्डर्स और आंखों के लिए बेनिफिशियल है, मतलब अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपकी आंखें इम्प्रूव हो जाएंगी, ऐसा पतंजलि का कहना है। मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, मैं भी फर्स्ट टाइम इसको लेके आया हूँ। और डोसेस पे देखेंगे इसकी, तो इसकी डोज़ है 1 to 2 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली, मतलब 2 ड्रॉप या 4 ड्रॉप, 2 सुबह 2 शाम, ऐसे करके आप डाल सकते हैं अपनी आँखों में और शायद फ़र्क आता हो। मुझे भी किसी ने रिकमेंड करी है और सुना मैंने बहुत है इसके बारे में, कि इसे डालने से आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मींस इट्स पेनफुल। तो आज मैं इसे आपके सामने ट्राई करने वाला हूँ, पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स सी। एंड मैं फिर एकदम ट्राई करके आपको इसका रिव्यू बताता हूँ कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, पहले डालेंगे सिर्फ एक आँख में। गाइज, मैंने अपनी एक आंख में इसकी एक ड्रॉप डाल ली है, एंड सीरियसली मैं सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा जलन कर रही है। मैंने और भी आई ड्रॉप्स यूज़ करी है, आई टोन्स एंड बहुत सारी आती हैं, इतनी जलन गाइज किसी में नहीं होती। अगर आप पेन बियर कर सकते हैं तो ही इसे डालना, वरना मत डालना। आप जैसा कि देख सकते होंगे, नॉर्मल आई ड्रॉप डालने के बाद भी आँख खुल जाती है, बट इसे डालने के बाद मेरी आँख नहीं खुल पा रही है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये ड्रॉप। बाबा रामदेव ने इसमें प्याज, नींबू, अदरक का रस डाला है, पता नहीं ये आँखों के लिए बेनिफिशियल है नहीं। भाई आप देख सकते हैं आँख इसने पूरी रेडिश कर दी है, एंड इट्स टू पेनफुल, और मेरी आँख में अब तक भी जलन हो रही है। अगर आप पेन बियर कर सकते हैं तो ही पतंजलि को लीजिएगा, और मैं रिकमेंड करूँगा इन्हें बच्चों की आँख में या फिर जो एल्डर पर्सन है उनकी आँख में ना डालिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है आँख में। आप देख सकते हैं अभी पूरी आँख रेड हो गई है एंड इससे कंटिन्यूसली पानी आ रहा है। तो आप मिड एज के हैं तो एक बार को आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मैं इसे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता बिकॉज इट्स टू पेनफुल। ठीक है गाइस, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।